सॉरी पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, चलिए बताओ कैसे करेंगे ब्रेक। हाँ बॉक्स है, जी आई एफ है, ये जी आई एफ है, ठीक है। चलिए करो, अच्छा उसको कैसे ब्रेक करेंगे, पहले आपको जब भी करना है पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। देखो कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या, अबे साइन थ्री पाई बाई टू, मेरे भाई उल्टा है, ऐसे थोड़ी लिखोगे, लिमिट तो उल्टा ही लिखोगे ना, फिर उसमें डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, लिमिट चेंज हो जाएगा ना, कुछ तो लॉजिक सोचो, अरे उसमें डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, ठीक है चलो। इसलिए लिमिट ऐसे भी लोअर लिमिट पहले लिखते हैं, अपर लिमिट बाद में। टू साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां, इसके बीच में क्रिटिकल पॉइंट कहां आ गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, इंटीजर क्या क्या आया, इंटीजर क्या क्या आया, माइनस वन, कि मुझे इंटीजर ही सोचना है, माइनस वन आया, जीरो आया, वन आया, ठीक है। तो माइनस वन कहां कहां होता है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू आते हैं, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू सोचते हैं, पाई बाई टू चले गया थ्री पाई बाई टू, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू वन कब आएगा, जब साइंस का वैल्यू हाफ होगा। भाई इसका वैल्यू वन कब आएगा, जो साइंस का वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा ना, कब होगा, पाई माइनस फाइव बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, पाई माइनस फाइव, पाई माइनस क्या पाई बाई सिक्स, अरे पाई बाई टू इधर सोचना है ना, पाई माइनस क्या पाई बाई सिक्स, तभी तो साइन पाई माइनस फाइव बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स, साइन थर्टी हाफ। तो पहले कहां से कहां जाएंगे, पाई बाई टू से, पाई बाई टू से कहां जाएंगे, सोचो ना, ये सोचो बताओ, ये हाफ कब होगा, सेकेंड क्वांट में हाफ कब होता है, ये बताओ, साइन का वैल्यू हाफ कब होगा, खुद सोचो। पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस, अबे साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स सोचो मेरे भाई, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स सोचो क्या आएगा, साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है, सिक्सटी, सिक्सटी नहीं थर्टी, तो साइन थर्टी क्या, वन बाई टू, तो फिर क्या सोचे, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या होगा, खुद से करना भाई, चलो। तो वैल्यू क्या हुआ, पाई बाई टू से पाई पाई बाई सिक्स, मतलब क्या साइन का वैल्यू क्या क्या होगा, क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा, हाँ इंटीग्रल वन हो जाएगा, चलो ठीक है, वन हो जाएगा ना, सोच लो ना साइन क्या हो गया, तुम्हारा कहां से क्या आया, पाई बाई टू, मतलब क्या टू से लेके क्या वन के बीच में आ रहा है, लेकिन टू वन इंक्लूडेड नहीं है, तो वैल्यू क्या, ठीक है उल्टा सोचो, चलो फाइव पाई बाई सिक्स, अब वैल्यू जीरो, जीरो कब होगा, पाई पे, तो फाइव पाई बाई सिक्स से कहां वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से माइनस वन कब बनेगा, पाई से पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे क्या हो जाएगा, ठीक है फिर क्या, इस ऊपर जाने कोई मीनिंग नहीं है, ओके ध्यान से पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया तुम्हारा, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आया था, माइनस वन जीरो वन,
माइनस वन कब बनेगा खुद सोचो, जीरो कब बनेगा खुद सोचो, ठीक है समय है, पाई पे जीरो बनेगा, वन कब बनेगा सोचो, ठीक है, ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, ग्राफ से, लेकिन ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी आई का, टू साइन का, फिर आप एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे, बहुत सिंपल सा मेटर, लेकिन मैनुअल है, लेकिन आंसर सही तरीके से आएगा, ठीक है समय, तो इसको जल्दी से करो, पहले मैं कहाँ गया, फिर से रिवाइज कर लेते, पाई बाई टू से फाइव पाई बाई सिक्स गए, वैल्यू क्या है वन से डी एक्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या है साइन पाई बाई टू, वन वन इंटू टू टू, फाइव पाई बाई सिक्स वैल्यू क्या है, वैल्यू किसका है, हाफ हाफ इंटू टू, वन वन से टू के बीच में जीएफ क्या होता है, अब अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, जल्दी करो, देखो जल्दी करो जल्दी करो, उधर बनाओ, फिर जी आई एफ है, ये भी जी आई एफ है, फास्ट करो तो फास्ट लिखो, ये करो, हमेशा जी आई एफ के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कहां वो क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करो, फिर कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये जी आई एफ है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स जी आई एफ, जल्दी करो, तो इसको देखते हैं, फर्स्ट पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, आप खुद सोचो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रूट टू, और मिनिमम क्या, माइनस रूट टू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रूट टू, ठीक है, पाई बाई फोर पे, और मिनिमम क्या होता है, माइनस रूट टू, तब खुद सोचो, चलो तो मॉड है, तो मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये मॉड, मॉड का मिनिमम वैल्यू जीरो, जब एक जीरो तो दूसरा क्या, वन, तो देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कितने लोगों को दिक्कत है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो तुम्हारा मॉड है, तो एक तो जीरो ही होगा, तो दूसरा जीरो, दूसरा क्या वन हो जाएगा, जहां कॉस जीरो होगा वहां साइन वन हो जाएगा, और मैक्सिमम रूट टू हो सकता है पाई बाई फोर पे, वन से रूट टू के बीच में जी आई का वैल्यू क्या होगा, वन, वन से लेके 1.414, चलो ये सिंपल, साइन एक्स प्लस कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, खुद सोचो आप क्या, हाँ मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, मिनिमम क्या, अगर सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस है तो माइनस रूट टू होता है, लेकिन मॉड है, मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, तो जब एक जीरो होगा दूसरा क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वन हो सकता है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना मेरे भाई, चलो जल्दी करो, समय आमिर क्या बोल, क्या कन्फ्यूजन बताओ, क्या बताओ कंफ्यूजन क्या है, पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ रूट टू बाहर कॉमन निकाल लिए, तो साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का मैक्सिमम वैल्यू क्या, वन, तो वन इंटू रूट टू, रूट टू, जल्दी करो, समझ आया, बुझ गया तुम, चलो tan इनवर्स का जी आई एफ जीरो से हंड्रेड, जल्दी करो, ऊपर अप कर दूं, समझ रहे, ठीक है,
जल्दी करो, एक क्वेश्चन और लिख लो। ये GIF है, चलो इसको देखते हैं। पहले 0 से 100 tan इनवर्स का GIF, पहले tan इनवर्स का ग्राफ सोचो। ठीक है, पक्का? अच्छा ध्यान से बताओ, ये x एक्सिस है, मतलब इधर x का वैल्यू वेरी करेंगे और ऊपर क्या y का वैल्यू वेरी करेंगे। पाई बाई टू 1.57, पाई बाई टू 1.57। अब इसका वैल्यू 1 कब बनेगा, 1 इसका वैल्यू 1 कब बनेगा? tan inverse tan 1 1, इसका वैल्यू 1 कब बनेगा? tan 1 पे, क्योंकि tan inverse tan x x बन जाता है, तो tan 1 क्या 1 पे। मतलब जब मैं 0 से tan 1 तक जाऊंगा तो मेरा ग्राफ कहां जाएगा? 0 से 1 जाएगा, मतलब मेरा GIF का वैल्यू कहां जाएगा? 0 जाएगा। मतलब जब मैं 0 से tan 1 गया तो मेरा वैल्यू क्या आ गया? 0। कुछ सोचो ना, देखो 0 से 1 का GIF क्या होता है? 0। लेकिन जब मैं tan 1 से कहीं भी जाऊं अब इसके बाद, तो वैल्यू कहां? 1 से पाई बाई 2 मतलब 1.57, वैल्यू क्या आएगा? 1 dx। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 100 माइनस tan 1। तो क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ x माइनस gif ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस gif ऑफ माइनस x। तो मुझे मिनिमम, जब क्वेश्चन रहेगा मिनिमम मैक्सिमम इसका क्वेश्चन रहेगा, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहाँ ग्राफ मिनिमम हो रहा है, कहाँ ग्राफ मैक्सिमम हो रहा है, नॉर्मल सा। ठीक है, तो सोचो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मिनिमम ऑफ क्या? ठीक है, डीएक्स। ठीक है, सब आ रहे हो? क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ गया, ये माइनस एक्स। तो क्या करोगे बताओ? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसा पक्का? सब आ रहे? ये क्या माइनस टू माइनस वन 0 1 2, पक्का? किसी को डाउट? क्लियर? ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है, पक्का? मैं जो येलो से बनाया हूं, क्या है तुम्हारा? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बोला है मिनिमम, तो यहां से जब यहां जाओगे क्या होगा? हाफ होगा, ये हाफ होगा ना, नॉर्मल। कुछ सोचो ना, हाफ होगा। जब यहां से जब यहां जाओगे तो मिनिमम क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मिनिमम, खुद बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है जब 0 से हाफ जाओगे तो, और जब हाफ से 1 जाओगे तो मिनिमम क्या दिख रहा है? येलो लाइन दिख रहा है मिनिमम। देखो इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन है? नीचे है ना। मिनिमम कौन सा है? नीचे है ना। देखो ध्यान से, मिनिमम क्या है? ये है ना, येलो वाला है ना, तो मिनिमम ये हुआ, मतलब ग्राफ क्या अल्टीमेटली है। फिर जब यहां से आ गए 3/2, तो ये मिनिमम क्या दिख रहा है? ये मिनिमम क्या दिख रहा? फिर ये जो मैं इससे बना रहा हूं दूसरे कलर से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अल्टीमेटली सारा ग्राफ में मिटा दे रहा हूं जो दूसरा पार्ट था। ध्यान से चेक करना, ध्यान से देखना,
ठीक है, ऐसा बन गया ग्राफ। ये पूरा मिनिमम ऑफ क्या, ये आ गया। बस मुझे क्या करना है, माइनस टू से टू, तो एक का एरिया क्या है तुम्हारा, इसका एरिया बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट 1/4, एक का एरिया 1/4, तो कितने का, एक दो तीन चार, तो चार पार्ट का कितना आ गया, हाँ तो और क्या निकालो। डेफिनेट पूछा तभी यही आता, सेमियंस आया था ना, डिफरेंस कब आता है एरिया और डेफिनेट में, जब निगेटिव पार्ट रहता है, निगेटिव पार्ट में है ही नहीं मेरे भाई, जल्दी करो। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखो, माइनस फाइव से सिक्स ऐसा सोच लो, सिग्नम ऑफ एक्स, जल्दी करो, ध्यान से आप बनाना ग्राफ, ध्यान से बनाना, जल्दी करो, आखिरी क्वेश्चन देखो, माइनस फाइव से लेके सिक्स तक कैलकुलेट करना सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा सिग्नम एक्स डीएक्स, सिंपल सिग्नम एक्स मॉड एक्स वाई एक्स, जब पॉजिटिव होता था एक्स ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू क्या आता था वन, जब लेस देन जीरो तो वैल्यू क्या, तो सिंपल क्या, माइनस माइनस फाइव से लेके जीरो तक, और जीरो से सिक्स लेके क्या, चलो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पक्का आएगा, जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी बोलने वाले हैं, चलो जिससे क्वेश्चन बनना तय है, जल्दी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर फोर, और क्या बोलते हैं इसको, किंग प्रॉपर्टी, सभी का राजा है ये, जल्दी करो, जल्दी करें करें। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से ए अगर एफ एक्स है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जहां जहां एक्स है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल जीरो से पाई बाई टू एफ ऑफ साइन एक्स है, ये सेम है एफ ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स है, क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, कॉस, लिमिट चेंज नहीं होता है, समझ, लिमिट चेंज मत कर देना, लिमिट चेंज मत कर देना। चलो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन जीरो टू पाई बाई टू साइन पावर फोर एक्स अपॉन कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन पावर फोर एक्स डीएक्स, इसको आई सपोज कर लो, मैथ्स देखो इधर कैसे लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, साइन ठीक है, ठीक है, समझ रहे, क्या हो जाएगा, साइन बिकम क्या, कॉस कॉस साइन, दोनों को ऐड कर दूं मैं, दोनों को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, वैल्यू क्या आ जाएगा, आई कर दो क्या जाएगा, बाय बाय फोर, अच्छे से मेंशन कर लिख लो जल्दी से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू खुश हो तो क्या करेंगे, जल्दी करो, शांत हो जाओ, कर लो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या मैं पुट कर दूं,
पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? टेन फोर एक्स, वन प्लस टेन फोर एक्स ना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा ना, कॉट कॉट फोर एक्स आएगा. नहीं क्वेश्चन शायद गलत लिखा मैंने, क्वेश्चन हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना. अच्छा चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा ना, फोर एक्स अपॉन कितना जाएगा, इसको तो सिंप्लीफाई कर दो, क्या जाएगा वन बाई टेन ठीक है, दोनों का अगर ऐड कर दूं मैं क्या आ जाएगा टू आई, डिवाइड कॉमन ले लो क्या आ जाएगा वन हो जाएगा, क्या आ जाएगा फाइव बाई फोर, ऐड कर दो दोनों को, दोनों इंटीग्रल ऐड कर दो ना, वन अपॉन टेन पावर फोर एक्स लिख सकते हो ना, वन बाय टेन फोर एक्स लिख सकते हो ना. चलो जल्दी करो, आए करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स, जल्दी बताओ. वन अपॉन वन प्लस रूट अंडर टेन एक्स क्या बोलो, उसमें क्या कंफ्यूजन बताओ, ऐड कर दो, ऐड कर दो ना, डिनोमिनेटर कॉमन है ठीक है, वन प्लस टेन पावर फोर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. चलो जल्दी करो, जल्दी करो. कैसे करेंगे इसको, आई सपोज कर लो, आई जीरो से पाई बाई टू, जहां जहां एक्स है वहां क्या सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स. और देखो ये किंग प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब लोअर लिमिट तुम्हारा जीरो होना चाहिए. आप हमेशा याद रखो किंग प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा जब लोअर लिमिट क्या होगा, जीरो होगा. बाद में हम लोग ए से भी पढ़ेंगे, जब लोअर लिमिट जीरो नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे करेंगे ठीक है. तो क्या हो जाएगा, हाँ जीरो होना चाहिए, देखो हर जगह लिमिट मैंने जीरो रखा है ठीक है. क्या बन जाएगा ये, खुद सोचो, जीरो से पाई बाई टू क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा ना, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट कॉट को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकेंड टू आई क्या जाएगा, आई का वैल्यू पाई बाई. चलो यही करो, साइन कॉस में भी कर सकते हैं लेकिन क्या होगा, लेंथी होगा, एक सेकेंड का चीज फालतू का, दो तीन मिनट वेस्ट, ये भी एक एडवांस में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका, एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कैलकुलेशन आपका टाइम बचा सकता है. चलिए करो, हाँ ठीक है, मतलब साइन कॉस में क्यों करेंगे भाई, फालतू कैलकुलेशन फैलेगा. चलो जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इधर देखो, इसको i मान लो, i इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉट एक्स लिख दू, अभी पाई बाई फोर ही आएगा इनसे. चलो कोई नहीं ठीक है, क्या जाएगा लॉग कॉट एक्स,
क्या इसको लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन टेन एक्स लिख सकता हूं, कॉट को वन अपॉन टेन एक्स, लॉग वन अपॉन टेन एक्स को क्या माइनस लॉग टेन एक्स लिख सकता हूं, ये क्या हो गया माइनस आई हो गया, आई इक्वल टू माइनस आई, मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये करते हैं नेक्स्ट, जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स हो गया, वो फर्स्ट हो गया, चलो देखो इसको देखो, फिर से किंग प्रॉपर्टी, इसको आई सपोज कर लिया मैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं, क्या करोगे, tan a माइनस बी, ठीक है, tan a माइनस tan b, 1 माइनस tan into tan b, tan by 4, tan by 4 क्या होता है, अच्छा सॉरी माइनस है ना, प्लस हो जाएगा नहीं, ठीक है, तो tan a माइनस tan b, 1 प्लस क्या tan into tan b, तो कैलकुलेशन तो कर लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस टेन एक्स माइनस, और माइनस माइनस क्या कैंसिल आउट हो गया, 10 बाय 4 क्या 1 हो गया, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लॉग 2 माइनस वन प्लस टेन एक्स, क्या करोगे, ये आई, ये भी आई था, आई आई क्या बन गया, टू आई बन गया, आई इधर आ गया ना, इधर इधर आई बन गया ना, लॉग टू इंटू पाई बाई फोर, आई का वैल्यू क्या हो गया, जेई मेंस 2012, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो, तो ठीक है देखो, सबसे पहले इसको जब भी जीरो से पाई बाय टू देखे, सबसे पहले क्या करना है, आपको किंग प्रॉपर्टी लगाना है, कैसे लगाओगे, ध्यान से, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू माइनस क्या बन जाए, कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स अपॉन वन प्लस, सिंपल देखो इधर आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या कॉस एक्स बन गया, एक दूसरे का निगेटिव है, एक दूसरे का निगेटिव है, ये तो क्या गया 2i इक्वल टू क्या गया, करें इसको जीरो से ए लॉग कॉट ए प्लस टेन एक्स, कैसे करोगे, फिर से वही सेम सेम किंग प्रॉपर्टी, लॉग i मान लोगे, लॉग cot a प्लस, अभी किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पहले किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं, किससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, पूछो क्यों फायदा नहीं होगा, कि tan a माइनस एक्स फिर tan a माइनस tan b कैलकुलेशन लेन दी जाएगा, कोई मीनिंग नहीं इसका, तो आप सिंप्लीफाई कर लो, दिखाता हूँ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन क्या कॉस एक्स, इसको क्या ठीक है, क्यों नहीं कि डायरेक्टली किंग प्रॉपर्टी मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है, लॉग इंटू क्या इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, लॉग ए अपॉन बी
log a माइनस log b, ठीक है, माइनस 0 से a साइन a dx, अलग कर लिए ना, फिर माइनस 0 से a cos x dx, log a upon b, log a माइनस log b, अभी इसको प्रोडक्ट log a into log b क्या बोलेंगे, log a plus b, ये क्या किंग प्रॉपर्टी याद दिख रहा है, cos a minus x is same as क्या cos x, according to king property cancel out हो गया, cos a minus x cos x, इसमें king property सोचो, cos x is same of क्या cos a minus x, math भी cos of क्या a, a minus x same हो गया, log है, sorry log है नहीं, same हो गया दोनों, ये भी log है, sorry log है ना, cancel out हो गया, क्या हो जाएगा ध्यान से करो, तो माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन तो हम लोग डीएस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग साइन है क्या कांस्टेंट हो गया ना, तो माइनस लॉग साइन है क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, इनटू क्या ए, इसका इंटीग्रेशन क्या ए, तो क्या ए इनटू माइनस लॉग साइन आ गया, उस क्लासरूम में समझा, ठीक है, तो ये किंग प्रॉपर्टी का लास्ट क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम किंग प्रॉपर्टी में जब भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में आपको क्या लगाना है, किंग प्रॉपर्टी लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी मूव करने वाले हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑड इवन रूल केजरीवाल रूल है ना, जल्दी करो, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी, ठीक है समझ में, और केजरीवाल प्रॉपर्टी है कि नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या करोगे बताओ, माइनस ए से जैसी लोअर लिमिट का सेम मैग्नीट्यूड अपर में दिखा लेकिन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या देखना है हमें, बस ऑड इवन चेक करना है, अगर इवन हुआ तो टू टाइम्स, अगर एफएक्स इवन हुआ तो, इवन के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए, जीरो कब होगा, जब एफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है नॉर्मल, कैसे हुआ ये देखो, नॉर्मल ठीक है, जीरो से एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से एफ ऑफ माइनस डी एक्स, जब सेम हुआ तो क्या एड अप हो गया, जब सेम तो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे जब भी माइनस ए से ए दिखे, माइनस वन से वन दिखे, माइनस टू से टू दिखे, माइनस फोर से फोर दिखे, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ चेक करना फंक्शन ऑड है इवन है, अगर इवन हुआ तो फिर टू टाइम्स, ऑड हुआ तो बस जीरो मार देना, जैसे एग्जाम्पल बहुत बेसिक से स्टार्ट करते एक्स पर फाइव डी एक्स माइनस वन से वन क्या आएगा वैल्यू, ऑड फंक्शन जीरो, इंटीग्रेशन माइनस वन से वन एक्स क्यूब इंटू साइन पावर फोर एक्स क्या होगा, क्या ये ऑड या इवन, क्या है ऑड और इवन दोनों है, ऑड इंटू इवन, ऑड ठीक है समय, इस टाइप से ऑड इवन क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऑड इनटू इवन क्या पढ़ चुके हैं ना, ऑड इनटू ऑड क्या इवन, सब पढ़ रहे हो, ऑड इनटू ऑड इवन, इवन इनटू ऑड ऑड, ठीक है, इवन इनटू इवन इवन, वो कांस्टेंट टर्म है, मैं ऑलरेडी बताया था वो क्लास में कि कांस्टेंट टर्म का थ्री इंटू थ्री नाइन, अरे वो फंक्शन नहीं, वो कांस्टेंट टर्म है, ये पाप ना करे, चलो जल्दी करो, ये बिल्कुल ना सोचे, ऐसा सोच अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल पाप कर रहे हो आप, सब पा रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंड ना करे, जल्दी करो गधा कहीं का, जल्दी और बोलो, तो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल जब भी आपको माइनस ए से चेक करना, क्या चेक करोगे आप, ऑड इवन चेक करोगे, अगर ऑड जीरो इवन जीरो, ठीक है सॉरी इवन निकाल लेंगे ना, फिर क्या क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब इवन टू ऑड क्या आ जाएगा, चलो
करें नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो जल्दी लिखो। तो पहले मुझे पता करना है ऑड या इवन है, ठीक है? पहले मुझे क्या पता करना है, ऑड है या इवन है? कैसे करेगा पता? एक बार प्लस चेक करो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स ऑड है, क्या हो गया इंटीग्रेशन? समझ में बात? ठीक है, ऑड है नहीं है, एक्स की जगह था, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, चेक कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स इज क्या माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स, सिंपल सा जीरो आ गया। सेकेंड देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना पहले आपको, देखो ये ऑड इवन क्वेश्चन ही, ऑड इवन क्वेश्चन ही बनेगा बाद में, पहले आपको क्या करना है इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाना है, पहले क्या करना है आपको किंग प्रॉपर्टी लगाना है, सब पा रहे हो? पहले क्या करना है तुम्हें किंग प्रॉपर्टी लगाना है, डायरेक्टली कर दूं मैं 2 पाई माइनस 2x क्या जाएगा माइनस कॉस, सॉरी माइनस साइन 2x, ठीक है हो गया क्या क्वेश्चन? चेक करो, देखो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव में हटा दूं, कैलकुलेशन देखो ध्यान से चेक करो सब लोग, माइनस इंटू माइनस में हटा देता हूं, कैलकुलेशन माइनस इंटू माइनस क्या प्लस बन गया, और इसको मैं तो उल्टा कर देता हूं ताकि डिनोमिनेटर में सेम बना सकूं, उल्टा हो गया तो ये क्या, ये भी उल्टा हो गया, माइनस इंटू माइनस, अब दोनों इंटीग्रेशन को मैं ऐड कर देता हूं, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया मैं, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस पाई प्लस एक्स, क्योंकि ये सब तो कॉमन है, अरे ध्यान से देखो ये सब तो कॉमन है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं कॉसेक्स को क्या मान लू मैं टी मान लू तो क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी कॉसेक्स को मैं टी मान लिया ना तो कॉस को मैं साइन को क्या लिख दू इसको टू साइन एक्स इंटू क्या कॉसेक्स तो cos 0 क्या होता है लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आप लोग को cos 0 क्या होता है 1 cos pi क्या माइनस 1 2 t sin pi by 2 t ये क्या आ गया तुम्हारा माइनस dt चेक कर लो फिर लिमिट को रिवर्स कर दिया मैं लिमिट को रिवर्स कर दिया तो माइनस साइन गायब हो गया लिमिट को रिवर्स कर दो माइनस साइन गायब हो गया फिर क्या करोगे माइनस से वन ये ऑड फंक्शन ये भी ऑड फंक्शन इवन हो गया तो इवन के लिए क्या जीरो से वन टू टाइम्स
जीरो से वन टू टाइम्स, जीरो से टू टाइम्स. अभी इसमें क्या लगा सकते हो, बाय पार्ट नहीं लगा सकते. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन. बाय पार्ट लगाने का मैं रूल आपको समझाता हूँ, ध्यान से. आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो बाय पार्ट में. बाय पार्ट में कैसे लगाना है ध्यान से देखो, चेक करके बताता हूँ आपको. ये तो दो कैंसिल आउट हो गया, टू को हटाओ. मैं बाय पार्ट लगाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो चेक करो. टी साइन पाई बाई टी, जीरो माइनस सॉरी जीरो से वन है ना, वन. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन. आइलेट रूल याद है ना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस पाई बाई टी अपॉन क्या पाई बाई टू. क्या पुट करोगे, जीरो से वन लिमिट पुट करोगे. माइनस इंटीग्रेशन जीरो से वन, ठीक है, टी का डिफरेंशिएशन वन, साइन का इंटीग्रेशन क्या कॉस पाई बाई टी डी टी. अब फिर क्या माइनस टू अपन पाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा. फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन पाई बाई टू डिवाइडेड पाई बाई टू, फिर लिमिट पुट करेंगे. ऐसे बाय पार्ट लगाना है, ठीक है. बाय पार्ट लगाने का फॉर्म से मार आपको, पहले फर्स्ट इंटू, अच्छा इधर देखो फिर सॉरी जीरो से वन पूरे में करके करना है ना, पूरे में करना है, पूरे जीरो से वन और जीरो से वन के बीच में. तो पहले क्या करोगे, वन पुट करोगे, वन दोनों पुट करोगे, फिर क्या जीरो दोनों में पुट करोगे, समझ आ रहा है, ठीक है. बाय पार्ट ध्यान से लगाना, बाय पार्ट लगाने इसको दिक्कत है. मैं देखो एक और समझा रहा हूँ, देखो जल्दी करो जल्दी करो. जिसको बाय पार्ट लगाने में दिक्कत होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, मैं समझा रहा हूं आपको. इधर देखो सपोज करो कैसे करोगे, ln x dx है, ठीक है, मान लो 1 से 2 है, ठीक है, समझ आ रहा है. क्या करोगे इसके 1 इंटू याद होगा तो याद आ रहा ना, ठीक है. क्या करोगे पहले 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 से 2 माइनस 1 से 2 सी गायब हो जाएगा. फिर ऐसे लगाना है, ठीक है. कैसे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx a से b माइनस a से b फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ओवरऑल dx. अच्छे से आप बाय पार्ट लगाना, बाय पार्ट लगाने बहुत लोग डेफिनेट में मिस्टेक करते हैं. क्या बोलो, क्या मिस्टेक आ रहा है, क्या टू टू कैंसिल करो, जीरो से पाई कॉस को मैं टी मान लिया ना, फिर कॉस को टी मान लो, कॉस को टी मान लो ना. क्या हो गया, अरे ऐड कर दोनों इंटीग्रेशन को, ऐड कर दिए ना, तो ऐड करो क्या आ जाएगा 2x माइनस पाई, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया. फिर कॉस को टी मान लो, कॉस को टी मान लो, चलो बाई टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब वन टू और एक्स प्लस टेन एक्स, ये रो कॉलम में दिया हुआ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, ठीक है. तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, एक तो तरीका पहले आप इसको इवेलुएट कर दो, लेकिन वो तो बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक है. कैसे करेंगे, तो पहले हमें सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जब भी माइनस ए से इंटीग्रेशन आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, चेक करना है कि ऑड है या इवन है. अगर आपको पता चला कि ऑड है तो फिर मामला ही खत्म है, सेट हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा. तो क्या करोगे, पहले एफ की एक्स की जगह मैं माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर सेम ही आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा ना भाई लोग, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या, ये सब तो पॉजिटिव,
सब इवन है, पॉजिटिव 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 डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी, जब एक निगेटिव बनेगा बाहर कॉमन आ सकता है, प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा? ऑड हो गया, एफएक्सिस ऑड। और अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो ऑड बिकम क्या? इवन। फिर डिफरेंशिएट करो, इवन बिकम क्या? ध्यान से, इवन ऑड, ऑड ऑड प्लस ऑड, ऑड इनटू इवन, ऑड इंटीग्रेशन जीरो। ठीक है, तो ये सिर्फ डराने के लिए था। ठीक है समय, तो क्या निगेटिव माइनस में कॉमन आया। तो जब एक तुम्हारे कॉलम में या रो में निगेटिव दिखता है, चाहे एक कॉमन टर्म दिखता है, उसको बाहर ला सकते हो। देखो ये, जब भी एक रो या कॉलम में आपको कॉमन दिखे, माइनस वन, सब में माइनस वन क्या कॉमन था, निकाल लो बाहर, क्या हो जाएगा? इवन ऑड। समय देखा समझ? तो ओवरऑल क्या बन गया? ऑड बन गया। तो नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी मूव करने वाले, क्या क्यून प्रॉपर्टी, 2a माइनस x प्रॉपर्टी, ये ऑड इवन, हाँ किंग था एक क्यून है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी करेंगे क्या होगा? क्यून प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स स्क्वायर है या 0 से पाई बाई 4 रूट अंडर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है हम लोग देखते हैं। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन इनवर्स लिख सकते हो ना, मतलब टेन इनवर्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे? 0 से 1 टेन इनवर्स क्या 1 x 1 अपॉन 1 माइनस क्या लिख सकते हो, 1 प्लस x लिख सकते हो ना, ये ठीक है, दिक्कत ही है ना, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 से 1 tan इनवर्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस x माइनस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a इंटू बी, सिंपल कह सकते हो। 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x के tan इनवर्स, ये a प्लस बी का फॉर्मूला है 0 से 1। ये अल्टीमेटली क्या है? tan इनवर्स x ही तो है, किंग प्रॉपर्टी। tan इनवर्स 1 माइनस x क्या है तुम्हारा? ये तो बस बार-बार लागे क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 1 इंटू क्या कर लेंगे, 1 इंटू टेन वर्स एक्स, तो क्या जाएगा? टेन वर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन और 1 को क्या सेकंड फंक्शन, तो आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, क्या बताए? कौन सा लास्ट वाला बताओ, सेकंड लास्ट वाला, ये क्या है ये तुम्हारा? 0 से 1 ए माइनस एक्स, तो लगाओगे फिर से क्या 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 1 कट गया, टेन वर्स एक्स ही तो हो गया। इसमें लगा दो किंग प्रॉपर्टी, इसमें लगा दो आप लोग किंग प्रॉपर्टी लगा दो ना इसमें, समझ रहे? क्यों लगा रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी रह जाए। इसमें भी चाहो तो किंग प्रॉपर्टी इसलिए सेम आ जाएगा फिर। तो जरूरत क्या है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ ना, 1 माइनस 6 मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाऊंगा फालतू का कैलकुलेशन। तो इसमें किंग ना, इसमें किंग ना लगा के इसमें लगा देंगे, जल्दी करो जल्दी करो। समय कहाँ से, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को? इस हिसाब से अप्रोच करना है, मतलब मैं क्या करूँगा कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक में रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें आप अगर किंग लगाते हो पाई बाई 4 माइनस 6 कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं बनेगा। तो इसको थोड़ा सा हमें अलग अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसको थोड़ा अलग अप्रोच से सॉल्व करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करो इसको। आप समझ गया ना कैसे करना है? 1 इंटू टेन वर्स एक्स को ले लेंगे ना, 1 को क्या कर लेंगे सेकंड फंक्शन, टेन वर्स को क्या फर्स्ट फंक्शन, तो x इंटू टेन वर्स एक्स माइनस
इंटीग्रेशन 0 से 1, tan वर्सेस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू का x बना हुआ है, नीचे क्या t मान लेंगे, ऊपर dt बन गया, हो जाएगा इंटीग्रेशन। करना पड़ेगा, इतना बेसिक तो करना पड़ेगा, जल्दी करो, करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें आप इस प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, इसमें कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, इसको मैं क्या करना, पहले इनडिफिनिट से सॉल्व करो, लेकिन अब थोड़ा फायदा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और भी इजी कर सकते हैं। टेन इसको तुम टी मान लो, टी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, टेन इसको टी स्क्वायर मान लोगे तो लिमिट कहां से कहां चला जाएगा, टी, ठीक है, टी हो जाएगा प्लस 1 बाई टी, ठीक है। अब sec इनवर्स sec स्क्वायर x dx का क्या, 2t dt, तो dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2t dt अपॉन 1 प्लस टी पावर 4, समझे, ध्यान से देखो, डाउट पक्का, क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे 30 को से डिवाइड कर दो भाई लोग, अरे अलजेब्रिक ट्विंस, अलजेब्रिक ट्विंस ऊपर नीचे, ठीक है, टी माइनस वन वाई टी को क्या मान लो, जेड, ठीक है, समझ रहा है, जरूरत है, लेकिन जरूरत है क्या, जरूरत है, जरूरत है इसको, क्या क्या जरूरत, इसको करने की जरूरत है, ये तो अलग अलग भी कर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना चॉइस है, ठीक है, मैं जैसा भी करना चाहूँ, ठीक है, चल जल्दी करो, t प्लस वन बाई टी प्लस मानना पड़ेगा, t माइनस वन बाई टी ना, हाँ ठीक है, जल्दी कर। ऐसे एक बात बताओ, ऐसे मैनुअली तो हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, चाहे ऐसे देखो तो लॉजिकली सही नहीं है, करोगे तो जीरो माइनस, क्योंकि हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, फिर हो गया पंगा, लेकिन हाँ आंसर आ सकता है, यही समझाएं तो कर सकते हैं, सिंपल सा ये नहीं कर सकते क्या, हम माने ही नहीं उसको, हम अज्यूम ही ना करें, क्या हम इसको ऐसे नहीं सकता, क्या जाएगा माइनस टू तो प्लस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट हो गया, इसको क्या मान लोगे, डी ऑफ तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू टेन इनवर्स मान सकते हैं ना, समय ये स्टेप को फॉलो करना, इसको फॉलो करोगे तो इंसान ने कहा सकता है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मार्क्स, उस चीज को मैं ऐसा लिख दिया, क्या दिक्कत है, मेरा चॉइस है, क्या बोलो, डिफरेंशिएशन अब ये है, वही तो है, वही को मैंने ऐसा लिख दिया, इसी चीज को मैं ऐसा लिख दिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वहां कंटिन्यूअस वहां चाहिए था ना, कंटिन्यूअस वहां चाहिए था ना, समय चलो, आप सब नोट्स कॉपी करके लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है, जब भी आप वीडियो में पढ़ते हो तो क्या होना चाहिए कि आप नोट्स को हमेशा पैरेलली कॉपी करते रहा करो, वीडियो पॉज करके, समझ आ रहे हो,
वरना फिर छूट जाएगा, जल्दी करो। ओके डन, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जल्दी। तो नेक्स्ट जो मूव करते हैं वो क्यून प्रॉपर्टी है। जब किंग प्रॉपर्टी फेल कर जाए जब किंग फेल हो जाते क्या करेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर चलो जीरो से टू ए दिखे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जीरो से टू ए दिखे एफ एक्स डी एक्स, कैसे कर सकते हो, टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स, जैसे साइन पाई माइनस एक्स शुड बी क्या साइन एक्स, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप लिमिट ये बाहर कब आएगा, जब ऐसा कुछ कंडीशन होगा, तो ये टू लिमिट सीधे बाहर कब आ जाएगा, हाफ डिवाइड बाय कब, जब ऐसा कुछ दिखे तो, ठीक है समझ रहे, डायरेक्टली ये डिवाइड हो जाएगा। जीरो कब हो सकता है, इसका वैल्यू जीरो कब होगा, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस, जैसे साइन कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस ऑफ क्या कॉस एक्स हो जाएगा ना, तो उस केस में जीरो आ जाएगा। ये ओवरऑल कैसे लिखा था मैं बताता हूं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स कैसे, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, अल्टीमेट ऐसे लिखते हैं। तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए कि टू बार कब आएगा, सीधे लिमिट टू से डिवाइड कब हो जाएगा, जब भी आपको लिमिट चेंज करना हुआ तो किंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, तो ये पता होना चाहिए अच्छे से। और हमेशा भी याद रखो जब क्यून लगेगा तो किंग लगना तय है, जब क्यून लगेगा तो क्या आएगा, किंग लगना फिक्स है, हैं क्या नहीं यार, हाँ जब रानी आएगी तो क्या राजा भी आएगा, ऐसा जल्दी करो, ठीक है, चेस चल रही है, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो करें क्वेश्चन, करें फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स का वैल्यू पहले याद होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये पहले याद होना चाहिए, डायरेक्टली काम आएगा, या जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, काम आएगा, डायरेक्टली काम आएगा, समझ पा रहे हो। और देखो क्योंकि साइन हो सकता है कॉस भी हो सकता है, किंग प्रॉपर्टी जीरो से पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस कॉस एक्स हो गया। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला, मतलब कैसे अप्रोच करते हैं, हाँ करते हैं। तो इधर जीरो से पाई बाई टू आई है, क्या हो गया लॉग कॉस एक्स बना लिया हम लोग, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले मैंने किंग प्रॉपर्टी लगा लिया, दोनों का ऐड कर दो टू आई ठीक है, दोनों का ऐड कर दिए, log a प्लस log b, log a इंटू बी
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैं ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैं उसी स्टेप पे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं, क्या मैं लिख सकता हूं, लॉग साइन 2x माइनस क्या, लॉग 2 dx, समझ रहे, ठीक है, अब क्या पंगा ये है, वो तो कांस्टेंट आ गया भाई, लॉग 2 बाहर आ जाएगा, अब पंगा क्या है, इसको है, तो थोड़ा इसके साथ खेलते हैं, आ जाओ, I dash मान लो, log sin 2x का मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से pi by 2 में, ठीक है, कैसे करेंगे, पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 2 into pi by 2 minus x, sin pi minus x, sin x, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, लगाओ किंग प्रॉपर्टी, फेल हो गया, लगाओ ना 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई माइनस 2x, सेम ही बन जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो जब किंग फेल, तो किंग जब क्वीन आ जाएगा, तो 2x को क्या मान लिया, मैं t मान लिया, तो इसे क्या मान लिया, t मान लिया, तो लिमिट भी चेंज, 0 से पाई लॉग क्या साइन एक्स क्या dt by t, ठीक है, समझ रहे, हो गया, एड आउट, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, अच्छा ध्यान से बताओ, 0 से पाई log sin t, फिर से किंग लगाओ, sin पाई माइनस x, फिर कोई फायदा नहीं, फिर पंगा, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, पाई बाई 2 इंटू 2 सोच सकता हूँ, पाई बाई 2 इंटू 2 सोच सकता हूँ, अब लगाओ, देखो ध्यान से, log साइन, ठीक है, 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स मीन्स ए पॉवर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या एफ एक्स, टी की बात कर रहे हैं, टी में ले रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहा है, तो मैं 2 टाइम्स बाहर लिख सकता हूं, हाफ इंटू 2 प्रॉपर्टी से 0 से पाई बाय 2 लॉग क्या, अब साइन टी रहे या एक्स रहे क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल कैसा भी रहे, टू टू कैंसिल आउट, ये क्या अल्टीमेटली क्या है, ये आई था, आई डैश इक्वल्स टू क्या आई, तो टू आई इक्वल्स टू क्या आई माइनस जो पाई बाई 2 लॉग 2 डीएक्स, तो क्या आ गया आई का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आई इधर आ गया 2 आई माइनस आई, आई लॉग 2 का वैल्यू इधर बाहर 1 का इंटीग्रेशन एक्स पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, ध्यान चेक करो अच्छे से, ये पता होना चाहिए, अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हो तो अच्छे से इसका प्रूफ पता होना चाहिए, स्टेप वाइज देखो, स्टेप वाइज देखो मैं कहां गया हूं, यहां के बाद मैं यहां गया हूं, जल्दी करो, देखो ये आई था, लॉग साइंस का इंटीग्रेशन करना था, मैंने ये आई तो फिर पहले किंग प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दिया, इसको इसको ऐड कर दिया, क्या हो गया 2 आई हो गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस 0 पाई बाई 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू लॉग बी, ऊपर से 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या साइन 2x बन गया, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी कर लिया, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, इसको छोड़ दो, अब इसका हमें इंटीग्रेशन देखना है, तो इसको मैं इधर ले लिया, अब फिर से मैं किंग प्रॉपर्टी लगाया, क्योंकि हमेशा किंग लगाने के बाद ही क्यों लगाना है, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स अल्टीमेटली सेम बन जाएगा, कि साइन पाई माइनस 2x सेम ही बन गया, किंग प्रॉपर्टी फेल आएगा, क्यों क्यों के लिए क्या करेंगे, 2x को t मान लिए, तो क्या बन गया 0 से पाई बन गया, अब पाई को मैं क्या लिख सकता, 0 से पाई लिख लिया log sin t dt, अब आप कंफ्यूज, फिर से किंग लगाओ, फिर से फेल, अब क्या करोगे तुम 0 से 2a ले लेंगे, मतलब a का वैल्यू का पाई बाई 2, फिर क्या करोगे, 2 बाहर आ गया, क्यों बाहर आ गया, क्योंकि log sin 2 into pi by 2 minus t equals to क्या log sin t, क्योंकि f of 2m 2 minus x equals to क्या fx,
2 बाहर आ गया, लिमिट डिवाइड हो गया हाफ से, जीस पाई बाई 2. अब मैं बताया था कि टी में वेरिएबल रहा है, एक्स में वेरिएबल रहा है, अल्टीमेटली तो आई डैश बिकम क्या, आई पुट कर दी. चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मूव करने वाले हैं, जो किंग प्रॉपर्टी में आएगा, लिखो जल्दी से, 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, जल्दी से. क्या ले ली, देखते कैसे करेंगे. पहले किंग प्रॉपर्टी, ऐसे करेंगे पाई माइनस x cos पाई माइनस x माइनस cos x, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट. पाई माइनस x किया, दोनों को मैं ऐड कर दिया, क्या बन गया पाई माइनस x प्लस x, कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, समझ रहे, वापस लेके आ जाओ, बाहर लेके आ जाओ. यहां डाउट किसी को, खुद सोचो. हाँ फिर ऐड कर दिया दोनों इंटीग्रेशन को. पहले मैंने किंग प्रॉपर्टी लगाया, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया, 2i हो गया. देखो ना यहां आफ्टर किंग प्रॉपर्टी, 0 से पाई पाई माइनस एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, हो गया ये. अब फिर से किंग प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स उसका स्क्वायर, फायदा ही नहीं हुआ. तो फिर पाई बाई 2 इंटू 2 सोचे, f और 2a माइनस x इक्वल टू क्या fx, मतलब क्या 1 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या 1 प्लस पाई माइनस x का होल स्क्वायर, सेम ही बनेगा, 2 बाहर आ गया. जीरो से क्या पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, कैसे करोगे, किंग लगाने से फायदा है, कोई फायदा नहीं है, किंग लगाने से फायदा नहीं है कि साइंस कॉल में कन्वर्ट हो जाए, क्या फायदा होगा. तो इसको इंडिफिनिट से कॉल कर ले, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर ठीक है, ठीक है. ठीक है, कैंसिल टी मान लेंगे, मान सकते हो कि 0 से पाई बाई 2 में तो ये कंटिन्यूअस है ही भाई, 0 से पाई बाई 2 तो कंटिन्यूअस है ही, क्या लिमिट कोई दिक्कत नहीं है, 0 से इंफिनिटी क्या दिक्कत है, है? आप इसके बीच में नहीं डिसकंटिन्यूअस है ना, पाई बाई 2 पे है. मैं बताया था कि इस लिमिट का नहीं सोचते हैं, उसका बीच का सोचते हैं, पाई बाई 2 माइनस तक जाएंगे, पाई बाई 2 मतलब क्या लेफ्ट हैंड तक जाएंगे, पाई बाई 2 प्लस नहीं जाएंगे. फर्क क्या पड़ जाएगा, इंफिनिटी पुट कैसे करते, कोई नहीं पुट करेंगे, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 बन जाएगा, ऐसा आएगा तो पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है. टैन क्या हो गया, ये टैन को टी मान लिया ना, तो ऊपर क्या डी टी बन गया, ऊपर डी टी बन गया ना, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, चलो मैं कर देता हूँ, आगे कंफ्यूजन होगा, मैं कर देता हूँ. इसका इंटीग्रेशन इधर आ जाओ, सब लोग देखो इधर देखो, तो क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स टी बाई रूट 2 1 अपॉन रूट 2 0 से इंफिनिटी, टैन इनवर्स इंफिनिटी क्या पाई बाई 2, टैन इनवर्स 0 क्या 0, तो पाई बाई क्या 2 रूट 2 आंसर आ गया,
सब्जेक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बीच में तो कंटिन्यूअस है ना, समझने हाल। चलो पाई तो है, पाई है या पाई, मैं इसका निकाला हूं ना, फिर पुट कर लोगे ना वहां, इसका मैं निकाला हूं ना, तो इसका वैल्यू फिर आई का वैल्यू निकाल लेंगे ना, 2i, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आया है ना, तो 2pi इनटू इसका वैल्यू ये आया ना, पाई अपॉन 2√2। इसका मैंने वैल्यू निकाला ना, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पाई बाई 2√2 है, ठीक है? तो ऐसे अप्रोच करना है। दिखा कहां किंग, हाँ हाँ, देखो अब याद होगा आपको, मैंने पहले बताया था कि किंग प्रॉपर्टी में हमेशा लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब कुछ ऐसा होगा लोअर लिमिट जीरो है ही नहीं है, तब कैसे लगाएंगे? जीरो करना पड़ेगा। तो हमें फिर देखते हैं, जल्दी करो। अब ए से बी है fx dx, a से b fx dx, तो इसे क्या लिख सकते हो आप? a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये लिख सकते हो, a प्लस b माइनस x लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, dx 1 प्लस रूट अंडर tan x। अब यार किंग तो लगा नहीं सकते, ठीक है? तो क्या लगाओगे? ये प्रॉपर्टी लगाओगे, a प्लस बी, इसको क्या बोलेंगे? a प्लस बी प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? a प्लस बी। तो सिंपल, ये नाम है अपने अपने फंडे हैं लिखने के। सोचो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ये 30, ये क्या 60 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 माइनस टैन कॉट बन जाएगा। देखो करो अच्छे से, ठीक है? किसी को डाउट? ठीक है, क्या बन गई है? कॉट बन गया, तो कॉट को क्या टैन लिख दे, आगे ऐड कर दो, उनको ऐड कर दे, ऐड कर दो, ऐड कर, जल्दी बताओ ऐड करके बताओ क्या आ रहा है, ऐड कर दो 2i क्या? ए प्लस बी प्रॉपर्टी, नाम नहीं, ये समय प्रॉपर्टी समय कैसे हो रहा है, कैसे समय है? ठीक है, देखा वो किंग प्रॉपर्टी कोई नाम नहीं होता, वो दिया गया है टीचरों ने, दिया है समय है, ठीक है, कोटा में दिया जाता है, ठीक है समय है। वो कोई ऐसा बुक में लिखा नहीं, सर क्यों, सर ने क्यों पढ़ा दिया था, ये एक्चुअली कोटा का ट्रेंड होता है सब चीजें बताने की, समय ये चीज है, जल्दी करो, जैसे केजीवाई ट्रिक समय, वो अभी थोड़ा देर पहले कुछ दिन पहले मैं निकाला हूँ। चलो तो करो, तो क्या क्या दोनों को ऐड कर दो, 2i कॉमन डिनोमिनेटर, क्या कॉमन न्यूमिनेटर, क्या कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1 बन जाएगा। चलो जल्दी करो,